नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं स्पोर्ट्स चौक। दोस्तों, बाबर आजम एक ऐसा बल्लेबाज जो इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है और अपने करियर के सबसे क्या कहेंगे सबसे बेस्ट फॉर्म में वो चल रहे हैं। तीनों ही फॉर्मेट में बाबर आजम का बल्ला चल रहा है, इसी वजह से T20 फॉर्मेट में और वनडे फॉर्मेट में बाबर आजम रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस समय व्हाइट बॉल फॉर्मेट के सबसे बेस्ट बल्लेबाज बाबर आजम है, ये कोहली फैन बोल रहा है। टेस्ट फॉर्मेट में अभी भी बाबर आजम को काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करना होगा। हालांकि रैंकिंग में जो है टेस्ट फॉर्मेट में बाबर आजम 5वें पोजीशन पर है और ज्यादा टेस्ट क्रिकेट का जो इनका सैंपल पैकेज है वो काफी ज्यादा छोटा रहा है। 46 का एवरेज है, 6 शतक और 21 अर्धशतक है, 3000 रन भी नहीं कूटे हैं, 2800 समथिंग रन इन्होंने अब तक बनाए हैं। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में इन्हें प्रूव करना अभी होगा। जिस तरीके से विराट कोहली ने तीनों फॉर्मेट में राज किया है और बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया और इसी वजह से जो है बाबर आजम को लगातार उनकी तुलना विराट कोहली से होती रही है। हालांकि 2019 के बाद से विराट कोहली का फॉर्म खराब हुआ है, अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, ये बात हर किसी को पता, स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन बाबर आजम और विराट कोहली फिलहाल तुलना करना दोनों में जो है ना हमेशा ठीक नहीं होगा, क्योंकि बाबर आजम अपनी अपने पाकिस्तान के लिए बेस्ट है और विराट कोहली अपने हिंदुस्तान के लिए बेस्ट है। खैर, दिनेश कार्तिक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए IPL खेल रहे हैं और बढ़िया प्रदर्शन भी रहा है टीम इंडिया में। इन्होंने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो आगामी होने वाले T20 सीरीज है वहां पर बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर दिनेश कार्तिक का कमबैक भी किया है। द ICC रिव्यू नाम के एक शो में दिनेश कार्तिक ने बाबर आजम के बारे में काफ़ी सारी बातें की है और तारीफ भी की है। अगर आप पाकिस्तान के फैन हैं तो दिनेश कार्तिक की इन बातों से आप सहमत भी होंगे। दिनेश कार्तिक ने कहा है कि बाबर आजम, इस बात में कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में बाबर आजम जो है वो तीनों फॉर्मेट में दुनिया के बेस्ट बल्लेबाज होंगे। रैंकिंग के हिसाब से भी इस समय वो तीनों फॉर्मेट में टॉप 5 में है और आने कुछ महीनों में उन्हें और भी ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने हैं, तो मुझे लगता है कि बाबर आजम जो है समय के साथ और भी ज़्यादा बेहतर होते जाएंगे। इसके अलावा Fab 4 के बारे में भी उन्होंने बात की। दिनेश कार्तिक ने कहा है कि Fab 4 में इस समय रूट, स्मिथ, विराट कोहली और विलियमसन है, लेकिन आने वाले समय में Fab 5 के नाम से ये मशहूर होने वाला है, क्योंकि उसमें आप बाबर आजम को भी जोड़ दीजिए। पांचों खिलाड़ी इस समय बेहतरीन खेल रहे हैं और बाबर आजम को पूरा सपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से भी है। मैंने बाबर आजम की बल्लेबाजी काफ़ी ज़्यादा देखी है, उन्होंने अपने टेक्निक में भी सुधार किया है और टेम्परामेंट तो उनका बढ़िया है ही। ये है दिनेश कार्तिक का कहना। आपको बता दें, हाल ही में जब ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान गई हुई थी तो वहां पर पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा, 1-0 से सीरीज हारी, टेस्ट सीरीज हारी। लेकिन वनडे जो सीरीज हुई थी वहां पर लगातार 200 जो है बाबर आजम के बल्ले से निकले थे और इसकी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला था। लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में जिस तरीके से उन्होंने कराची टेस्ट मैच था वो शायद, जब चौथी पारी में 196 रन कुछ बाबर आजम ने बनाए थे, कमाल की वो पारी थी और कई सारे उन्होंने रिकॉर्ड्स भी बनाए थे। तो ये मेरा भी मानना है कि बाबर आजम में वो पोटेंशियल है, वो काबिलियत है, वो टैलेंट है जिसके दम पर वो आने वाले समय में वर्ल्ड क्रिकेट में राज कर सकते हैं। आपका क्या ख्याल है दिनेश कार्तिक और इन मेरी बातों से, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।